1996 में पूरा भारत बांग्लादेश की 25वीं सालगिरह मना रहा था। एक बांग्लादेशी पत्रकार ने देखा, मन से उसकी नज़र हटी तो उसने हॉल की पिछली सीटों पर देखा, एक लंबा अट्रैक्टिव और सुंदर इंसान बैठा हुआ था सूट बूट में। वो पत्रकार उसके पास गया कि सर आप यहाँ कैसे, आपको तो मंच पर होना चाहिए था, आपकी वजह से ही 1971 की जंग भारत जीत पाया और भी आपने बड़े बड़े काम देश के लिए किए हैं। तो उस सज्जन व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। स्टेज पर जो लोग हैं, मंच पर जो लोग हैं, उनकी ही तारीफ होनी चाहिए। खुद को पहचान लिए जाने के बाद वो इतना शर्मिंदा हो गए कि उठकर वहाँ से चुपचाप चले गए, और वो थे रामेश्वर नाथ काऊ। इंडियन रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जन्मदाता R.N. काऊ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए, पूरी दुनिया में अपने कनेक्शन बनाए, दुनिया की ढेर सारी इंटेलिजेंस ने उनकी तारीफ की, कैसे पॉलिटिक्स के बीच फंस गए और रो को कैसे उभार कर लाए। आज की इस वीडियो में हम रामेश्वर नाथ काऊ जी के बारे में बात करें। बड़े ही डैशिंग पर्सनैलिटी। बिना समय गवाए शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। रामेश्वर नाथ काऊ जी का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी में हुआ। 1940 में उन्होंने IPS का एग्जाम दिया UP कैडर से। 1948 में देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई और रामेश्वर नाथ काऊ जी को असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का बना दिया गया। 1950 में जब क्वीन ने इंडिया को विजिट किया तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम रामेश्वर नाथ काऊ जी के थे, वो सिक्योरिटी के हेड थे। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है, जब क्वीन बॉम्बे में थी तो वो एक फंक्शन अटेंड कर रही थी, तो एक उड़ता हुआ गुलदस्ता क्वीन की तरफ आया, तो रामेश्वर नाथ काऊ ने सोचा कि इसमें बम हो सकता है। उछल कर बड़ी लंबी छलांग मारकर उस गुलदस्ते को क्वीन से पहले उन्होंने पकड़ लिया और खुद नीचे गिर गए, लेकिन गुलदस्ता क्वीन तक पहुंचने नहीं दिया। इस हरकत को जब क्वीन ने नोटिस किया तो क्वीन ने रामेश्वर नाथ काऊ जी को कहा गुड क्रिकेट। 1968 में भारत सरकार को भी एक ख्याल आया कि CIA MI6 की तरह हमारी भी इंटेलिजेंस हो जो बाहरी समस्याओं पर नज़र रखे। तो 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई और रामेश्वर नाथ काऊ जी को डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बना दिया गया। रो ने खुद को प्रूफ किया 1971 में। 1971 तक रामेश्वर नाथ काऊ जी ने रो के इतने ज़बरदस्त कनेक्शन और अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को पूरी दुनिया में डिप्लॉय कर दिया था कि उनके कनेक्शन इतने स्ट्रोंग हो गए थे कि 1971 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने वाला था तो हमारे पास एग्जैक्ट डेट भी थी। लेकिन उस बीच हुआ क्या, पाकिस्तान में जो हमारे जासूस थे रामेश्वर नाथ काऊ जी के जो एजेंट थे, उन्होंने वो वायरलेस से वो सिग्नल दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ डेट की मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अटैक जिस दिन होना था 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। रामेश्वर नाथ काऊ जी से पूछा गया कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पर, अपने एजेंट्स पर कितना भरोसा, अपने कनेक्शंस पर कितना भरोसा है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो रामेश्वर नाथ काऊ जी ने कहा मुझे अपने एजेंट्स पर, अपने कनेक्शन पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। आप 2 दिन रुक गए हैं क्योंकि सारी जो आर्मी थी वो हाई अलर्ट पर थी, जवान थक गए थे, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी थकान महसूस कर रहे थे क्योंकि 2 दिन तक हाई अलर्ट पर थे। तो रामेश्वर नाथ काऊ जी ने कहा कि मेरी बात मानकर 1 दिन का और इस हाई अलर्ट को आगे बढ़ा दीजिए, और वही हुआ। 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन रामेश्वर नाथ काऊ जी की वजह से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले ही आ गई थी जो पाकिस्तान में रामेश्वर नाथ काऊ जी के एजेंट्स मौजूद थे। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी पीरियड लगा और इंदिरा गांधी के साथ रामेश्वर नाथ काऊ जी की नज़दीकियाँ काफ़ी थी। तो लोगों ने 1977 में जब इंदिरा गांधी जी हार गई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, तो पता नहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा कहाँ से चला और रामेश्वर नाथ काऊ जी को भी ये कह दिया गया कि यही जिम्मेवार है जो इमरजेंसी में सरेआम हत्याएं हुई। तो 1977 में इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं और मोरारजी देसाई आ जाते हैं। तो मोरारजी देसाई रामेश्वर नाथ काऊ जी को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जब वो उनके ऑफिस जाते हैं तो उनके ऑफिस के बाहर शायद मोरारजी देसाई का ही कोई पर्सनल असिस्टेंट था,
सूट बूट वो पहना हुआ था, वो रामेश्वर नाथ काउ जी जैसे ही एंटर करते हैं तो वो कहते हैं कि इसी है, यही हत्यारा है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग इन एमरजेंसी पीरियड। और वो ये कहकर रामेश्वर नाथ काउ जी पर कूद पड़ते हैं। इतने सीनियर आदमी, देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन कैसे पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं। तो जैसे ही अंदर जाते हैं, मुरारजी देसाई उन्हें कहते हैं कि रामेश्वर जी, हम आपको जिम्मेदार मानते हैं, जो भी आपने एमरजेंसी के पीरियड में देश में हत्याएं हुई, कत्ल हुए। तो रामेश्वर नाथ काउ जी कहते हैं, मैं उनका जिम्मेवार नहीं हूँ, उन कत्ल का और रो का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मुरारजी देसाई नहीं मानते, वो कहते हैं मैं आपको आपके पद से हटाता हूँ। फिर काउ साहब होम मिनिस्टर चरण सिंह जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए आप इंक्वायरी बिठा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे होम मिनिस्टर चरण सिंह जी एक इंक्वायरी बिठाते हैं और उन इंक्वायरी का हेड बनाते हैं, उनका एक दामाद था आईपीएस ऑफिसर, उसको उस कमेटी का हेड बना देते हैं। 6 महीने बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, 6 महीने बाद रो का और एमरजेंसी के पीरियड हुई हत्याओं का कुछ भी लेना देना नहीं। अब ऐसे ही आगे चलता रहता है सिलसिला। तो होता क्या है, मोरारजी देसाई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं और यही रीजन माना जाता है कि मोरारजी देसाई की हत्या हुई। वो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं हमारे दुनिया भर में जो एजेंट थे उनकी। मोरारजी देसाई जी की मृत्यु के बाद रामेश्वर नाथ काउ जी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, वो फिर से ज्वाइन करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को। कुछ दिन वो राजीव गांधी की सरकार में भी उन्होंने काम किया रो में जब वो थे, और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इतनी प्राइवेट लाइफ वो जीते थे कि रिटायरमेंट के बाद के उनके सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स हैं। रो को कहां से उठाकर कहां आज खड़ा कर दिया। ये जितने भी कनेक्शन है, जितने भी दुनिया भर में एजेंट्स है, जितना भी इंडियन इंटेलिजेंस का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये रामेश्वर नाथ काउ जी की वजह से फैला हुआ है। उन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, हमारे देश की इंटेलिजेंस का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि इस देश की गंदी पॉलिटिक्स में हर कोई फंसता आया है, चाहे वो देश की जनता है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो रामेश्वर नाथ काउ जी है। ये देश को दीमक की तरह ये पॉलिटिक्स खा रही है और इसका हमारे पास कुछ इलाज भी नहीं है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।